ऐसी कमाल की चीजें आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। ये कैसा ड्रोन है भाई? इतना बड़ा ड्रोन तो मैंने कभी नहीं देखा। इस ड्रोन को भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए बनाया गया है। देखिए वीडियो में कैसे ये ड्रोन इस कार को उठा ले जा रहा। कुछ इस तरह से समुद्रों में फटता है ज्वालामुखी। दिखने में जितना सुंदर उतना ही खतरनाक। ये कैसा कार है? इसमें तो पहिए ही नहीं, फिर भी चल रहा ये। किसी को कुछ पता है क्या इस कार के बारे में? ये क्या हुआ? इतना विशालकाय शार्क कहां से आ गया भाई? जब इसने जंप किया तो वहां खड़े लोग कैसे भागे, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। कुछ इस तरह से बनाया जाता है स्टेपलर पिन। जस्ता तार को एक मशीन में ले जाकर छोटे छोटे पार्ट में काटा जाता है, फिर इन्हें कंप्रेस करके स्टेपलर पिन का शेप दे दिया जाता है। बाकी आप वीडियो में देख ही सकते हैं। कुछ इस तरह से होती है 3D प्रिंटिंग। है ना कमाल, प्रिंट करके शूज बन गया। और कितनी तरक्की करेगा विज्ञान भाई। यार ये रोड दिखने में ही कितना खतरनाक लग रहा है। ऐसे रोड में अगर मैंने कभी ड्राइव किया तो मैं कभी वापस घर नहीं पहुंच पाऊंगा। इन भाई साहब को देखो, नदी में जमी हुई बर्फ में खड़ा होकर रील्स बनवा रहे हैं। अगर गलती से ये बर्फ टूट जाए तो क्या होगा इन भाई साहब का, आप सोच ही सकते हो। मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे बड़ा शूज होगा। ये शूज कंपनी वाले प्रमोशन के लिए क्या क्या पैतरे आजमाते हैं। ये क्या है भाई, कोई इंसान है या पेड़? मुझे लग रहा पेड़ जिंदा होके चल रहा, शायद ये इस दुनिया का ना हो। 3D पेंटिंग भी कमाल होती है। वीडियो देखकर पहले मुझे लगा रोड में सच में कोई टनल है, पर जब इन भाई ने साफ से इस पर पानी डाला सब दूध का दूध और पानी हो गया। ये क्या हुआ भाई, रोड से इतना बड़ा आदमी कैसे निकला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। किसी को समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताइए। इस एयर होस्टेस ने जिस तरह से ओवरहेड कंटेनर को बंद किया देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। कितना कूल लगता है ऐसी नदी में जमी हुई बर्फ में स्केटिंग करना। मैं भी एक दिन ऐसी जगह जाकर स्केटिंग जरूर करूंगा, बैलेंसिंग हो तो इस लड़की जैसे। इनका करतब देखकर तो मैं शॉक रह गया। कमाल है, एक भी प्लेट गिरने नहीं दिया। ये कौन सा देश है भाई जहां ट्रेन बीच बाजार में चलती है? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। कितना अमेजिंग लग रहा है ये बेड। मैं भी ऐसे जगह जाकर नेचर के बीच रहना पसंद करूंगा। समुद्र किनारे बहकर आई व्हेल मछली को वहां के आसपास के लोगों ने कुछ इस तरह से बचाई उसकी जान। इस बाइक को देखिए, इसका पहिया तो घूम ही ना रहा फिर भी बाइक चल रही। किसी को कुछ समझ आया क्या, ये बाइक कैसे चल रही? खास करके जुवाड़ियों के लिए बनाया गया है ये गैजेट। वीडियो में देखिए कैसे पत्ते बांट रहा ये गैजेट। फैक्ट्रियों में कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कार की बॉडी। क्या आपने इससे पहले देखा है कार की बॉडी बनाते हुए, कमेंट करके बताएं। इन भाई साहब ने टीवी हिलाकर इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरा दिया। मुझे ये वीडियो देखकर बहुत मजा आया। कमाल की रील्स बनाया है इन भाई ने। कितना स्मूथ और क्लीन बेक फ्लिप मार रहा है ये बच्चा, इसके टैलेंट को तो सलाम है। बहुत बढ़िया स्टंट। ये है गेहूं पिसने का जापानी जुगाड़। मतलब इन जापानियों के यहाँ पेट्रोल इतने सस्ते हैं जो स्कूटी से ही आटा पिस रहे। जितनी सुंदर लड़की उतना ही सुंदर। उसका स्किपिंग रोप, क्या कमाल का लग रहा है ये स्किपिंग रोप। किसी को पता है क्या ऐसा स्किपिंग रोप कहाँ मिलता है? ऐसे बर्फ में कूदना कितना मस्त लगता होगा यार, मुझे भी जाना है ऐसी जगह। वो भाई साहब, ये कैसा शूज है? इन सब पहनने के लिए बनाया गया है या खेलने के लिए? इस बार टेंडर का बैलेंसिंग देखे, मुझे तो बहुत ही कमाल का लगा। आपको कैसे लगा? कमाल की इल्यूजन पेंटिंग्स है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता तितलियां उड़ रही हो। भाई यार ये इसने ऐसे कैसे किया, ग्लास तो नीचे गिरा ही नहीं। कोई मुझे भी ऐसा ही मैजिक ट्रिक सिखा दो।